कला भी कट पठानिया पठानिया कला कट पिछों
स्वच्छ भारत माता की जय। महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी, शास्त्री जी, स्वच्छ भारत जी की फतेह। आज महात्मा गांधी जी के जन्मदिन उपर आज सफाई अभियान चलाया गया। मैं उन्होंने जन्मदिन की बधाई देंदा कि वो एक साडे राष्ट्र के लीडर सन जिन्होंने एक पेंट कोट के टाई नू त्याग के धोती पा के ते अंग्रेजां दे खिलाफ जंग लड़ी और अंग्रेजां नू मजबूर कर दिता हिंदुस्तान चो निकलन वास्ते। सो अज जिन्हां नू असी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहिंदे आ, लेकिन अज उन्हां दी अगर असी गल करिए तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बराबरता की गल की, क्योंकि उन्होंने एक पोइम गाई सी, रघुपति राघव राजा राम पति तपावन सीता राम सब को सम्मति दे भगवान ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। उन्होंने ईश्वर अल्लाह एक सांझा एक मैसेज दिता कि असी धर्म के पिछे लड़ाइया लगाई दी हन, असी कहने कि परमात्मा जिहड़ा ये मेरा, लेकिन उन्होंने ये जिहड़ा मैसेज दिता कि परमात्मा जिहड़ा वो एक है ते सानू सारयां नू इस हिंदुस्तान की तरक्की लई रल मिल के जिहड़े कि वो सानू आजादी वास्ते लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों नू नसाया। एक ऐसे नहरू की मौत तो बाद शास्त्री जी प्रधानमंत्री आए। शास्त्री जी की तनखा किन्नी सी? 50 रुपये। तो जिस वक्त उसकी बीबी ने पूछा कि तेरा खर्च कितने नाल चलता, वो कहती 40 रुपये नाल। उसने पार्टी नू कहा कि ये 10 रुपये दे घट कर दिते जान, और जिस वक्त उनकी मौत हुई तो उनके अकाउंट चो 365 रुपये जिहड़े उनका बैंक बैलेंस निकलिया, और एक उन्होंने कार लैण की कोशिश की थी। उस समय का प्रधानमंत्री 7000 रुपया उसकी अकाउंट च, 5000 PNB बैंक को उन्हें लोन लिया, लेकिन लोन लैके एक कार ली। लेकिन बेचारा उसकी शास्त्री जी की उसके बाद मौत हो गई। गल करैक्टर जिहड़े MP MLA बड़े लीडर हैं, अज तनखा अज उन्होंने भत्ते देखो किन्ने, तो हमेशा लड़ाई अपने वास्ते लड़ रहे, ना कि उन्होंने देश वास्ते प्यार है, ना पब्लिक वास्ते प्यार है। आओ कोशिश करिए कि ये जिहड़े साडे महापुरुष होए, इन्हां दी जिहड़ी जीवनी उपर चल के जिहड़ा कि असी चलन की प्रेरणा करिए। और सारे असे सेवा की बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आज 2 अक्टूबर सत्य अहिंसा और स्वच्छता का पाठ पढ़ाने वाले हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, आज उनकी जयंती, और साथ ही साथ हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी जयंती। इस दिवस पर मैं सारे शहरवासियों को और पूरे देशवासियों को मुबारकबाद भी दूंगी और अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करूँगी इनके चरणों में। और जैसे कि डोगरा साहब ने बताया कि हम स्वच्छता पखवाड़ा मना रहे हैं, 17 तारीख से लेकर 2 तारीख तक ये हमारा सेवा का पखवाड़ा शुरू हुआ था, जिसमें हमने अलग अलग तरह के काम किए, जैसे मेडिकल कैंप, पौधारोपण और सेवा के भिन्न भिन्न कार्य हमने किए। उसी को करते करते आज हम यहाँ स्वच्छता पखवाड़ा के ये अंतिम चरण में पहुँचे हैं। आज हमारा अंतिम दिन है। मोदी जी के आह्वान पर हमने ये 17 तारीख से लेकर 2 तारीख तक ये पखवाड़ा मनाया है। उसके उपलक्ष्य में ही आज हमारे साथ ये मॉर्निंग वॉकर के ट्रस्ट के लोग, इन्होंने भी हमें ज्वाइन किया, और हमारे यहाँ शहरवासी भी, स्थानीय नागरिक भी, और काउंसलर भी, और सारे हमारे सफाई कर्मचारी भाई और जो हमारे स्टाफ कर्मचारी हैं, सारे हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित रहे। और हम सब ने यहाँ पे ड्रीमलैंड पार्क की सफाई की है, और साथ ही साथ ये संदेश दिया है कि ये एक अकेले किसी कॉरपोरेशन का काम नहीं है, किसी नगर परिषद का काम नहीं है, किसी निकाय का काम नहीं है। ये जन भागीदारी इसमें जब तक नहीं होगी, तब तक हम इस मिशन में सफल नहीं होंगे। महात्मा गांधी जी का राष्ट्रपिता नाम पड़ा, उन्होंने ये सिद्ध किया कि व्यक्ति जन्म से बड़ा नहीं होता, कर्म से बड़ा होता है। महान बनने के लिए, महात्मा बनने के लिए कार्य हमें ऐसे करना पड़ते हैं। जब कार्य ऐसे करोगे तो ऑटोमेटिकली लोग आपको उसी तरह से देखेंगे, उसी तरह से आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो मैं पुनः एक बार देशवासियों को और शहरवासियों को इस दिवस की मुबारकबाद देती हूँ। आज ड्रीम पार्क के बाहर और म्युनिसिपल काउंसिल की तरफ से और बारनी भाकर टीम की तरफ से आज जहाँ सेवा पखवाड़ा जो मनाया गया, आज गांधी जयंती के ऊपर और उसके साथ ही हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी आज ही जयंती है, तो दोनों को अगर याद करें
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी को, तो उनकी हिस्ट्री में आपने देखा सरदार चरणजीत सिंह जी ने बताया एक कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी व्यतीत की। देश के प्रधानमंत्री होते हुए भी वो कर्ज के ऊपर थे, वो देख के और आज का माहौल देख के, और आज जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती, जहां आज पूरा सेवा पूरे मुल्क के अंदर सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है, आज जहां एक आम लोग से लेकर सफाई कर्मचारी से लेकर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक आज उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है, और उनके साथ जहां पूरे मुल्क के अंदर स्वस्थ भारत बनाने की कोशिश की जा रही है। स्टेडियम में था सुबह, हजारों बच्चे वहां सेकंड रेसिंग के लिए और आर्मी भर्ती होने के लिए, यहां हजारों बच्चे, सबसे बड़ी समस्या है। मैं प्रधानमंत्री साहब से सबको अपील करता हूं, इस देश के अंदर सबसे बड़ी वो समस्या है, वो जनसंख्या है, 30-30 मुल्क मिला के एक एक मुल्क हमारा बनता है, तो इसके ऊपर भी जो प्रोग्राम है 2 अक्टूबर पे रखा था महात्मा जी की जयंती के ऊपर, और मैं शुक्रिया करता हूँ हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, वार्ड मेंबर्स हैं, ये हमारे जो लोकल लोग हैं, जो मॉर्निंग वॉक एसोसिएशन है, इन्होंने हमारे साथ जो सफाई का अभियान चलाया है, मैं सभी का थैंकफुल हूँ। जो लोकल लोग हैं, ऐसे मैं तो कहता हूँ कि जैसे आज इन्होंने काम किया है तो रूटीन में होना चाहिए, रोज वीकली तो होना चाहिए, मैं ज़्यादा नहीं कहता, संडे संडे को जो एक टाइम रख लें कि हमने चाहे आधा घंटा एक घंटा, जितनी बार हम शब्द लेते हैं हर बार जितनी भी है स्वच्छता के ऊपर, उसमें है कि मैं हफ्ते में एक घंटा जरूर काम करूंगा सफाई का, तो शब्द लेने से नहीं है, मैं कहता हूं कि जो प्रैक्टिकली होना चाहिए। इन्हें बात विस्तारपूर्वक रखी है, बात यह है कि स्वच्छता पखवाड़ा जो था वो 24 तारीख को शुरू हुआ था और आज 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन इसका समापन, और आज लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जो है जन्मदिवस है, और इसका मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि ये बातें सिर्फ पखवाड़ों से संपन्न नहीं होती हैं। मैं एक बात शुरू से कहता रहा हूँ कि जब से इंसान इस धरती पर आया है तभी से सफाई की ज़रूरत पड़ती रही होगी, और समय रहते सरकारों ने अलग अलग लेवल पर काम भी किया होगा, लेकिन 2014 के बाद जो सरकार आई माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की अगुवाई में, उसने स्वच्छता को लेकर एक उसको एक मिशन बनाया, क्योंकि लाल किले की प्राचीर से पहले ही भाषण में अगर कोई स्वच्छता पे बात करता है तो इसका मतलब ये था कि स्वच्छता का महत्व इस देश के लिए कितना बड़ा है, इस बात को समझाने का प्रयास किया गया। और आज की डेट में जिस प्रकार से ये पखवाड़ा चल रहा है, मैं आम जनता को यही कहना चाहूँगा कि ये मात्र एक पखवाड़े से ये बात पूरी नहीं होती है, हमको इसको रोज़ की दिनचर्या में डालना है, और जो भी अपने से शुरुआत करें, ये ना कहें कि वो ऐसे कर रहा है वो ऐसे कर रहा है, बल्कि अपने से शुरुआत करें। अगर आप अपने से शुरुआत करेंगे तो मेरे ख्याल से हम इस राष्ट्र को एक स्वच्छ राष्ट्र बनाने में कामयाब होंगे। इस भारत को जो है वो हम बाकी देशों के साथ जो है वो कंपैरिजन करते हैं हमारे लोग कई बार, हम वहाँ तक पहुँचाने में तभी सक्षम कामयाब हो सकते हैं जब हम इसके लिए सारे लोग अपना सहयोग दें, योगदान दें। आज का दिन जो है बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, जे हमारे मोहनदास करमचंद गांधी जी का आज जन्मदिन है, पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं जी, पहले राष्ट्रपति, और इनके साथ साथ ही लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है। बहुत बहुत मुबारक है इस पूरे देश को। तो आज जहाँ पे हमने देख रहे थे कि जहाँ पे सफाई का अभियान जो है वो चल रहा था, काफ़ी संस्था के लोग, जैसे जो बीजेपी के लोग थे, हमारे जहाँ पे माननीय बाकर वाले लोग थे और भी जनता थी, बच्चे थे, वो साफ़ सफाई कर रहे थे। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम महात्मा गांधी जी के चरणों में और लाल बहादुर शास्त्री जी के चरणों में जो है वो फूल अर्पित करते हैं, और सफाई अभियान जो है जो नरेंद्र भाई मोदी जी का पखवाड़ा ये मना रहे हैं तो वो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये पखवाड़ा जो है ना, ये सिर्फ पखवाड़ा ही ना रह जाए, हम देख रहे हैं पिछले दिनों हमने बात की थी जहाँ पे महाकालेश्वर मंदिर है, वहाँ उसके बाहर जो है बहुत ही गंदगी के ढेर लगाए हैं, वहाँ पे डंपिंग सिस्टम रखा है या कुछ भी, हमने एडमिनिस्ट्रेशन से भी आग्रह किया था, डीसी साहब को हमने बताया था वहाँ मीटिंग में, और उसके ऊपर कोई अमल नहीं हुआ आज तक। तो हम समझते हैं कि ये पखवाड़ा जो है ठीक है, मनाना तो चाहिए, लेकिन अगर ये ऐसे लोगों को दिखावे के लिए अगर मनाना है तो हम समझते हैं कि ये बिल्कुल गलत बात है। अगर साफ़ सफाई करनी है, अगर डीसी साहब का कहना ये लोग नहीं मानते हैं कमेटी वाले, तो इन्होंने किसका कहना मानना है, मीटिंग जो है वो व्यर्थ हम समझते हैं। और जहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर अगर करमचंद गांधी जी का मोहनदास करमचंद गांधी जी का, बापू जी का,
अगर योगदान है अंग्रेजों को भगाने का, वह लंगोटी और छोटी के बिना के ऊपर और लोगों के एकता में उन्होंने बांधा था, एकता के सूत्र में उन्होंने बांध के इस देश को आज़ादी कराई है। और इसी देश के अंदर हम देखते हैं कि नथुराम गोडसे जैसे भी बड़े लोग हैं, बड़े भक्त हैं उनको मानने वाले, एक तरफ हमारा राष्ट्रपिता और पूरी जनता, पूरा भारत देश तो छोड़ो पूरी दुनिया जो है वो उनके काम के ऊपर कायल है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं वो जो नथुराम गोडसे को पूजने वाले हैं वो भी इसी के धरती के ऊपर हैं। हम समझते हैं कि ऐसे महान शख्सियत को प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती उपर मैं अपनी तरफों भी श्रद्धा सुमन अर्पित करना। साथियों, गांधी जी के विचार, उनकी सोच, उनके थाट्स, उनके जेडे मूल्य उन्हें स्थापित किए थे, मैं लगा था अज भी वो रेलेवेंट हैं, अज भी वो प्रासंगिक हैं, अज भी मानवता पर कोई भी विपदा, कोई भी कठिनाई उदाहल इन विचारें ही लगना। मैं एक बार फिर उन्हें की नमन करना।